All right. We were discussing the IMAX रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम. तो मैक्स जहां पर वहां पे प्लस आ रहा है, मिनिमम वाले में माइनस आ रहा है. सपोज आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम पूछेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो इसका एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. जैसे ये क्वेश्चन देखो, इफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज 25/9, देन फाइंड I1/I2 एंड A1/A2. I1/I2 क्या है? इन वेव्स की जो इंटेंसिटीज है उनका रेशियो. A1/A2 क्या है? वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो. ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम. क्विक सॉल्व करो इसको. आई मैक्स एंड आई मिनिमम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और I1/I2 निकाल लो, और इससे A1/A2 आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आ जाएगा. डू इट योर सेल्फ, देन आई विल शो यू द सोल्यूशन. देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू पुट की, रूट ले लो दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √I1/√I2 आ जाएगा. स्क्वायर कर लेंगे I1/I2, तो दोनों वेव्स की जो इंटेंसिटी का रेशियो है 16:1, और I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2. A1/A2 विल बी 4/1. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड नीट ऑल्सो. देखो सिमिलर क्वेश्चन मुझे आज से यार आज जेई मेंस में भी आया था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ये. देखो यू कैन टेक द स्नैपशॉट, इसको सॉल्व करो और कल इसका नेक्स्ट क्लास में आंसर बताएंगे. नेक्स्ट क्लास अभी टुडे फ्राइडे ना, तो संडे अगेन 10 to 11. ओके सर. ठीक है ना, थोड़ा सा कोर्स पीछे चला ना, वी कैन कंप्लीट इट बिकॉज अभी तुम लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन अपने प्रैक्टिकल्स टी बोर्ड ये सब शुरू हो जाएंगे ना. डिड यू गेट द एग्जामिनेशन डेट्स? नो सर. टेंटेटिव कुछ आई है शायद ना, उसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ बोला है मैंने, जनवरी दिसंबर जनवरी समथिंग कुछ है ना, तो वी हैड टू बी थोड़ा सा बिजीनेस बढ़ जाता है, तो वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स फास्ट नाउ. ठीक है, तो इसके स्नैपशॉट ले लो, सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, आंसर मैं आई विल शो यू टुमारो संडे को बताऊंगा इसके आंसर. और ये भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड जे. तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब ये उसी में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है. वी आर गोइंग टू सी दिस नाउ, YDSE बोलते हैं इसको शॉर्ट में. तो यू टेक द स्नैपशॉट ऑफ बोथ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, टेकन.
Sunday 10 a.m. to 11 a.m. most probably. 11 या 11:15 तक विल सी सिचुएशन. ऑल राइट देन. देखो ये भी देखो इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है. ये थोड़ा सा ये सर आप दिया था हाँ बता दिया था ना. तो ये यहाँ से दो प्लेट से 25% लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती, रिमेनिंग ट्रांसमिट हो जाती. 25% मींस आई बाय 4. ये अगर आई है फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ से उसकी 25% रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से जाके उसकी 25% इधर जाएगी, 25% और रिमेनिंग 75% बाहर आएगी. तो ये आई टू हो जाएगा, ये आई वन हो जाएगा. तो आई वन आई टू जो है इनडायरेक्टली दिए है. आई वन तो डायरेक्टली आ गया आई बाई फोर, आई टू निकालना पड़ेगा वो 25% का उससे. फिर आई वन एंड आई टू करेक्टली अगर तुमने निकाल लिए तो फिर वही आई मैक्स का भी जो हमने रिलेशन बनाया था, आई मैक्स अपन नहीं आई मिनिमम अपन आई मैक्स में पूछा, आई मिनिमम अपन आई मैक्स पूछा है. कुछ आया इसका आंसर? वो क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ आई वन माइनस मिनिमम में माइनस आता है ना, मैक्सिमम बीच में प्लस आता है. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. किसी का आंसर आया ये? ठीक है फिर से ट्राई करो, क्वेश्चन का स्नैपशॉट लो, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताता हूँ मैं. इनफैक्ट दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस क्वेश्चन, बट ये मैथमेटिकल लॉजिक है बस अपना. 25% निकालना आना चाहिए, एक ईच रिफ्लेक्शन में 25% रिफ्लेक्टेड 75% ट्रांसमिटेड. तो लॉजिकल क्वेश्चन है, फार्मूला तो यही है अपना बोर्ड लेवल का ही. ठीक है फिर से ट्राई करो, आई विल टेल यू द आंसर इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी वेल नोन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड interference of light waves. I mean we call it Young's double slit experiment. Young's double slit experiment, short में हम लोग लिखेंगे YDSE. तो the British scientist Thomas Young, also known for his Young's modulus, elasticity पे भी उसने काफी work किया था और optics में भी काफी, light के field में भी काफी work किया. तो ही वाज द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हु प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट. इसने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करके दिखाया एक्सपेरिमेंट से. हाइगेंस वाज द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट. ही प्रिडिक्टेड द लाइट एज ए वेव फर्स्ट ऑफ वेरी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रिडिक्टेड द से 400 इयर्स बिफोर. एंड इन लास्ट सेंचुरी he could prove the wave nature of light by his experiment after say 300 years after Huygens' theory. Huygens' theory ke kafi centuries ke baad Young's ne prove karke dikhaya usko experiment se. Then let us see how did he prove it. To dekho, and also calculated the wavelength of light bhi calculate ki usne experiment se. To kya kiya usne, ek cardboard liya tha, usme होल कर दिया और यहाँ पे लाइट सोर्स रख दिया उसके पीछे. तो यहाँ से वेव्स निकलेंगी बाहर. यहाँ पे दूसरा कार्डबोर्ड लिया, उसने दो होल कर दिए, उसमें से फिर से वेव्स निकलेंगी ऐसे, अपनी अलग अलग वेव्स निकलेंगी. यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं हम वेव्स को. ठीक, फिर वो है स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पाथ ट्रेवल करेंगी, उससे अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा. पाथ डिफरेंस से क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा. और फेज डिफरेंस से वहां पे इंटेंसिटी जो है, जहां पर फेज डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा वो ब्राइट पॉइंट बन जाएंगे, ये बीच बीच में ब्राइट है. और जहां पर पाथ डिफरेंस जहां पर 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा वहां पर डार्क लाइंस आ जाएंगे. तो ही शोड द डार्क लाइंस ऑन द स्क्रीन. ये स्क्रीन डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट किया उसने, पूरा कवर कर दिया इसको और माइक्रोस्कोप से देखने से पता लगा डार्क लाइंस आ रही. जब दोनों सोर्सेज ऑन है तो हाउ द डार्क लाइंस विल बी ऑब्टेंड. जब दोनों सोर्सेज फुल्ली ऑन है तो कंप्लीट स्क्रीन शुड बी ब्राइट, बट देयर आर द डार्क लाइंस थ्रू आउट.
तो दैट प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स में ही पॉसिबल है, लाइट रेज में पॉसिबल नहीं है. अगर अगर तुम बोलेंगे, हम बोलेंगे उसमें वो तो एक रेज है या है ना, या वेव्स नहीं है, दे आर सिंपली लाइट. तो वेव्स नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो गया? वेव्स ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, उनके एक के वाइब्रेशन ऊपर होंगे एक के नीचे होंगे, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने देखा था, एक वेव के वाइब्रेशन ऐसे दूसरे के ऐसे, जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो ऐसे ऐसे, तो नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर. एक के वाइब्रेशन अप और एक के डाउन होंगे, पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. तो वहां पर डार्क डार्क लाइन्स आएंगी. ठीक है, इन लाइन्स को क्या बोलते हैं? ओके, देखो ये स्क्रीन हो गया, ये स्लिट प्लेन बोलते हैं इसको. होल के बाद उसने फिर कट किया, होल से उतनी डार्क लाइन्स उतनी प्रॉपर नहीं आ रही थी, फिर उसने स्लिट बनाया ऐसे, कट किया ऐसे, तो इसको स्लिट प्लेन बोलते हैं बाद में. फिर तो इसका जो साइड व्यू ऐसा आएगा, देखो ये S1 है ये वाला, और S2 नीचे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल d होता है, और ये पॉइंट p ऊपर, पॉइंट p कोई भी ले लेंगे है ना, तो उसका जो है पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, वो पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है. तो दिस वेव, दिस प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट. ही प्रोड्यूस्ड, ही प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब उसने कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाए? सिंगल सोर्स से बनाए, ये सिंगल सोर्स से ही दो कोहेरेंट सोर्सेस बना लिए उसने. मेकिंग टू स्लिट्स इन द ओपेक शीट, है ना, कार्डबोर्ड ले लिया उसमें दो शीट बना ली, दो स्लिट बना ली. एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस फिनोमिना अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क लाइन्स, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स विच आर कॉल्ड फ्रिंजेस are obtained on the screen, which proves the wave nature of light. क्योंकि dark fringes जो हैं, dark bands जो हैं, वो केवल destructive interference से आएंगी, जो कि waves में possible है. He proved the wave nature of light. यहाँ पे लिखा हमने proved the wave nature of light because dark lines, दोनों जब sources on है, fully on है, तो डार्क लाइन आने का सवाल ही नहीं है, बट फिर भी डार्क लाइन मिली, तो इसका मतलब क्या है? वो वेव्स होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, और वहां पर डार्क लाइन आ जाएंगी. इवन इफ बोथ द सोर्सेज आर ऑन, देन आल्सो वी गेट द डार्क लाइन व्हिच इज कॉल्ड डार्क फ्रिंजेस और डार्क बैंड्स. गॉट इट? तो ये यंग्स एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव करके दिखाया. यू कैन सी इट इन द लैब में, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, डार्क लाइन मिलेंगी, if you set up, if do the setup properly. ठीक है, और इसी का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम हम जब थियरी पढ़ेंगे तो इससे ये डायग्राम बनाएंगे. ये बनाना मुश्किल है. ठीक है, तो स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस को कैपिटल डी लिया जाता है, दोनों स्लिट्स, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस डी लिया जाता है. पॉइंट पी एक जनरल पॉइंट रहेगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस से वो पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क होगा, उसकी कंडीशन निकालेंगे. वी आर गोइंग टू प्रूव द कंडीशंस फॉर. ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, YDSC. अगर शॉर्ट नोट लिखना पड़े तो मेन पॉइंट्स लिख देना. ये इसने प्रूव वेव नेचर प्रूव करके दिखाया, हाइगंस का जो वेव नेचर का अजम्पशन था, आफ्टर मेनी सेंचुरीज इट कुड बी प्रूव्ड. ऑल राइट, तो नाउ वी सी द थ्योरी ऑफ दिस, इसकी जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. देखो सबसे पहले तो हम ये जो है ये जो सिंबल्स यूज करेंगे, D एंड Y क्या है, इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस के बीच का, स्मॉल D कैपिटल D एंड Y एंड पार्ट डिफरेंस X, उनके बीच का रिलेशन निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. उस रिलेशन से हम बता पाएंगे पॉइंट P ब्राइट है कि डार्क है, और जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ भी निकाल पाएंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे. तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर समटाइम्स इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन ऐसे लिखते हैं. तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स. तो देखते क्या क्या है. डी क्या आता है?
डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स आर टू कोरेंट सोर्सेस, ये सिंबल फिक्स है हर बुक में सेम रहेगा, स्मॉल डी दो सोर्सेस कोरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन, ये स्लिट प्लेन रहेगा इधर ऐसा जिसमें कट करते हैं, और ये स्क्रीन रहेगा अभी हमने दिखाया तुम्हें, उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये स्क्रीन का सिंबल जी जी डैश लिया हमने, ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वाई द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन ओ, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने एक्स लिया है इसको, हम लोग एक्स ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस के लिए ले चुके हैं, तो विल नॉट मिक्स अप द सिंगल सिंबल्स, अपना एक्स पार्ट डिफरेंस के लिए रहेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, तो ये वाई ले लिया हमने, वाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, तो एस टू पी ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स फॉर पॉइंट पी, तो एस टू पी माइनस एस वन पी इज एक्स विच इज द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी, एट पी पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला ले रहे हैं, हाँ ये वाला ले रहे हैं, अच्छा एस वन पी एम होगा यहाँ पे, ऊपर वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है एम है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया स्क्रीन पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम लोग एस वन पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एस वन पी स्क्वायर विल बी, ये डी स्क्वायर है, ये कितना होगा देखो टोटल वाई है, और ये मिड पॉइंट यहाँ से, तो ये डी बाई टू हो जाएगा आधा, ये डी बाई टू हो गया, तो यहां से यहां तक का कितना होगा वाई माइनस डी बाई टू, ये डिस्टेंस वाई माइनस डी बाई टू, तो वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पहला पाइथागोरस थ्योरम से, और ये बड़े ट्राइंगल के लिए तो ये भी डी बाई टू है नीचे का आधा डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर will be this square sp s2p square, ठीक है, अभी दोनों को माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, तो लेफ्ट साइड में तो ये आ गया, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लो, वाई स्क्वायर भी है उसमें भी, ऊपर भी वाई स्क्वायर इसमें भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर बाई फोर इसमें भी डी स्क्वायर बाई फोर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसमें लास्ट में क्या बच जाएगा वाई डी, और इसमें माइनस वाई डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो टू वाई डी बचेगा, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर इसको वन ले लो इसको टू ले लो, तो टू माइनस वन करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये आएगा, राइट साइड में ये बचेगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं, राइट साइड में दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो एक बार माइनस एक बार प्लस लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ना, रिलेशन क्लियर, नाउ यू अंडरस्टैंड हियर, देखो एस वन पी एंड एस टू पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये पॉइंट पी होता है ना, देखो ये डिस्टेंस होती है मीटर्स में 1.5 मीटर के आसपास, और ये जो सोर्सेज होते हैं बहुत पास में मिलीमीटर्स में होते हैं ये वाले, और जो फ्रिंजेस बनती है सेंटर ऑफ द स्क्रीन के आसपास सारी बन जाती है, यहीं पे बन जाती है, बहुत फ्रिंजेस नैरो होती है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो उसको, तो ये एस तो क्या है, एस वन पी एंड एस टू पी आर वेरी क्लोज, ये पास पास में है एंड टू ईच अदर, एंड फ्रिंजेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट मिड पॉइंट, एंड डी इज लार्ज, एंड डी इज लार्ज, ये मीटर्स में रहता है, 1 मीटर से 2 मीटर या 1.5 मीटर ऐसा कुछ रहता है, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे हम कितने, तो क्या होता है देखो, तो ये जो है S1P, यहाँ से जो यहाँ पे S1 रहेगा, ये पॉइंट P रहेगा S2P, तो
तो ये बहुत क्लोज रहेंगे, एस वन पी विल बी इक्वल टू एस टू पी, दे विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू डी, दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डी. तो यहाँ पर तो ये डी प्लस डी हो जाएगा. ये क्या है, ये एक्स हमने एज्यूम किया, एक्स होता है ये, पाथ डिफरेंस होता है ये, एस टू पी माइनस एस वन पी इज एक्स, और ये डी प्लस डी. यहाँ पे डी माइनस डी मत कर देना, फिर डेरिवेशन होगा ही नहीं तुम्हारा. तो दिस इज एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज डी प्लस डी, और ये एज इट इज. तो ये टू डी, टू 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 कैंसिल हो जाएगा, डी नीचे आ जाएगा. तो ये पाथ डिफरेंस का एक और फार्मूला मिल गया ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस के टर्म में, वाई डी एंड डी के टर्म में. तो ये एक यूजफुल रिलेशन है, इसको हम एक्स के जो पीछे हमने कंडीशन निकालनी थी एन लैम्डा एंड एंड सो ऑन, उसके साथ इक्वेट करके हमें पता लग जाएगा पॉइंट पी ब्राइट है कि डार्क है. कंडीशन मिल जाएगी वाई के टर्म्स में, कौन कौन सी लोकेशन पे डार्क पॉइंट आएंगे पी एंड ब्राइट आएंगे. तो ये एक हो गया थियरी पार्ट हो गया, हमें कंडीशंस लोकेशंस निकालने का पॉइंट पी ब्राइट या डार्क. तो इसको थियरी ऑफ इंटरफेरेंस चेंजेस के नाम से हम लर्न कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्सेज एंड स्क्रीन एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस आफ्टर डिराइविंग दिस रिलेशन, तो वी कैन नाउ डू, वी कैन गो फॉर द अदर पॉइंट्स. ठीक है, तो ये याद रहेगा एक्स इज इक्वल टू वाई डी, वाई डी एक्स के दो रिलेशन मिल गए हमें, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिला था, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिला था, और एक ये मिल गया. ठीक है, तो हमने इसमें पाइथागोरस लगाए और एजम्पशन, ये एजम्पशन से हमने ये रिलेशन निकाले. एजम्पशन क्या, वो फैक्ट है एक्चुअली, ये क्लैरिटी के लिए हमें ऐसे बनाने पड़ते दूर दूर. प्रैक्टिकली एस वन एस टू वेरी क्लोज, फ्रिंजेस भी वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एंड नैरो फ्रिंजेस होती है इंटरफेरेंस में, मिलीमीटर के ऑर्डर की हो सकती है, उससे भी कम. ठीक है, तो इसको यूज करके अभी हम आगे देखते हैं क्या है. देखो ये रिलेशन एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से, बट वो बोर्ड्स में नहीं चलेगा. देखो अल्टरनेट मेथड नॉट फॉर सीबीएसई, ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, फॉर जेई एंड नीट. तो देखो ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन, एक ऐसा डायग्राम रहता है. देखो पॉइंट पी बहुत दूर होता है ना, और ये स्लिट्स है, स्लिट्स से जो रेज जाती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल रहती है. ये जो एंगल होंगे ना, ये वाला, यहाँ से भी एंगल थीटा आएगा, यहाँ से भी थीटा आएगा, सेंटर से भी थीटा, बिकॉज पॉइंट पी इज लार्ज, P is very large. ये बहुत छोटा होगा, ये मिलीमीटर में होगा ये डिस्टेंस, हमने बताया. तो ऑलमोस्ट रेज पैरेलल होती है P पे जाने के लिए, बट यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस जो है नॉट टू द स्केल, इसलिए पैरेलल नहीं दिख रही. ठीक है, तो सेंटर से एंगल पॉइंट P का, सेंटर ऑफ द स्लिट प्लेन से एंगल अगर थीटा है, और पॉइंट P से S1 डिस्टेंस का आर्क लगा लो इतना, इसको ज्वाइन कर लो, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, इसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं ना. ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो नीचे वाली वेव ट्रेवल कर रही है वही उसका पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच का. तो अगर ये एंगल थीटा होता है, दिस इज आल्सो वेरी क्लोज टू थीटा, ये भी थीटा आता है, और ये 90 डिग्री आता है जब डिस्टेंस पी लार्ज होती है. इसमें देखो, इसमें क्लियर दिखेगा ना, ये ऐसे ये पैरेलल जा रही, तो ये तो सभी चली गई वेव, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये अगर एंगल थीटा है बीच से लेते तो ये भी थीटा आता है, और ये 90 डिग्री रहता है. ठीक है, तो ये वेरी, ये क्लोज टू 90 है, पूरा 100% नहीं, 90 88
89.999. तो यहाँ से देखो, अभी ये 90 अगर हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये तो डी होता है दोनों स्लिट्स के बीच में. तो यहाँ से देखो, इन फ्रॉम फिगर साइन थीटा विल बी व्हाट, पाथ डिफरेंस एक्स अपॉन डी. तो एक्स विल बी डी साइन थीटा. ये पाथ डिफरेंस का दूसरा रिलेशन मिला जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज करते हैं. साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं. अभी थीटा इज वेरी स्मॉल, ये एंगल भी देखो लेस देन 10 डिग्री रहते हैं. मैंने बताया ना, सब यहीं पे रहेंगे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर. एंगल जो प्रैक्टिकली लेस देन 10 डिग्री रहते हैं. तो साइन थीटा को 10 थीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से. तो 10 थीटा विल बी वाई बाई डी. ये वाई है अपोजिट और डी एडजस्ट सेंटर, तो वाई बाई डी. तो ये देखो आगे एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, जो हमने इससे प्रूव किया वाई डी बाई डी. तो ये नीट एंड जेई के लिए है, नॉट फॉर सीबीएसई. हाँ, भूल जाते तो इससे रिकॉल कर सकते क्या एंड रिजल्ट है. ऑल राइट, तो ये रिलेशन को यूज करके आगे के टॉपिक है सारे अपने. ओके, देखो आगे. पहले तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टडी फ्रिंज पैटर्न. तो फ्रिंज पैटर्न के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होती, कोरेंट सोर्सेस. अगर वो नहीं है कोरेंट सोर्सेस, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, फ्रिंजेस बनेंगी नहीं. कोरेंट सोर्सेज होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं सिंगल वेवलेंथ वाली, नैरो स्लिट्स यूज करते हैं, तो थोड़ा क्लियर फ्रिंजेस दिखती, नहीं तो फ्रिंजेस जो है क्लियर नहीं दिखती. और डी शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी लार्ज. एक मॉडरेट डी रखना पड़ता है इन मिलीमीटर्स, और कैपिटल डी इज लार्ज इन मीटर्स, इन मीटर्स. ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं कि हमें फ्रिंज पैटर्न थोड़ा क्लियर दिखे. तो ये चार पॉइंट्स याद करके लिखना पड़ता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए. और जो स्लिट का प्लेन होता है, देखो ये भी बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए. देखो स्लिट प्लेन सिंगल स्लिट वाला है ना, देखो ये भी एक कंडीशन होती है कि ये प्लेन बहुत पास में ना हो, ये डिस्टेंस भी एक मॉडरेट रखनी पड़ती है. उसकी एक कंडीशन होती है जो अपने को उसमें नहीं है कुछ, लैम्डा बाई डी से ये जो डिस्टेंस है और इसका जो सोर्स का जो होल है उसका साइज एस बाई डी, एस बाई एस इसको. तो वो कंडीशन एक रहती है जो कि अपने उसमें रिलेशन नहीं है अपने पास. तो ये ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए. ये सिंगल स्लिट वाला प्लेन शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू द डबल स्लिट. एक मॉडरेट डिस्टेंस रखनी पड़ती है. इट मे बी इन मिलीमीटर्स बट इट शुड नॉट बी इन माइक्रोमीटर्स और नॉट, बट दैट डेटाज आर नॉट अवेलेबल अपने उसमें नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन. तो देखो ठीक है. नाउ लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. ब्राइट फ्रिंजेस जो है सेंटर से कितनी कितनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, है ना. यहाँ से मेन टॉपिक देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये वाई सेंटर ऑफ द स्क्रीन ओ यहाँ पर है सपोज, कितनी डिस्टेंस पर फर्स्ट ब्राइट बनेगी, सेकेंड ब्राइट बनेगी, थर्ड ब्राइट बनेगी, बी थ्री, है ना. ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही, फ्रिंजेस दिखाऊं पहले तुम्हें. चलो फ्रिंजेस देखते पहले कैसे दिखती, ऐसे दिखती फ्रिंजेस. ये जो है सेंटर ब्राइट होती,
उसके बाजू में दो तरफ डार्क वन होती, फिर ये ब्राइट वन होती, फिर डार्क टू होती, दोनों तरफ रहती हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिखती, देखो ये डायग्राम ऐसे दिखती फ्रिंजेस। एक्चुअल में जब डी वेरी लार्ज होता है ना, जो जो यंग्स डबल स्लिट ने लिया, तो उसमें ऐसी दिखती फ्रिंजेस। देख रहे बीच में ब्राइट डार्क, तो इनको फ्रिंजेस बोलते हैं। तो कौन सी लोकेशन पर ब्राइट होंगी, कौन सी डार्क लोकेशन पर डार्क होंगी, ठीक है, और स्लिट के पैरेलल होती है। जैसे ये स्लिट है, देखो अगर स्लिट ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल स्लिट्स है तो हॉरिजेंटल फ्रिंजेस आएंगी, वर्टिकल स्लिट्स है तो वर्टिकल फ्रिंजेस आएंगी, ऐसे ऐसे। तो डिपेंडिंग अपॉन स्लिट्स वर्टिकल होंगी या हॉरिजेंटल होंगी, ठीक है। अच्छा, जब मैं शो करता हूँ, आई थिंक यू आर एबल टू सी दैट पॉइंट डायग्राम जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बीच में ऊपर नीचे स्लाइड करके, बिकॉज देयर इज स्लो मोशन, है ना। ओके, लेट मी सी अगेन। देखो वी आर ऑन टू दिस टॉपिक, लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, दिस इज ऑन द स्क्रीन, देख रहे। इसके बाद मैंने क्या बोला, यू वॉन्ट टू सी द ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। Then I went on to this diagram and explained the things. But I think in your screen thoda delayed action ho raha hai. Now it is coming, hai na? Can you see the fringes bright and dark now? Yes, sir. Are you? हाँ, actually मैं यहाँ पे जब slide करता हूँ जल्दी से explain करता हूँ, I think तुम्हारे पास वो explanation नहीं पहुँच पाता है। I have to be slow when I am changing the pages. तो देखो ये center bright है यहाँ पे, और यहाँ पे dark one है दोनों तरफ। Can you see now? Can you see I am writing with the red laser? Yes sir. इधर dark one है, ये भी dark। पहले दिखा था क्या? पहले भी मैंने लिखा था। Could you see in previous explanation? Yes or no? Are you there? No, sir. Okay. हाँ, तो I think मैंने जल I am little fast because I thought कि in your screen also quickly changing. ठीक है, I have to be slow when I change the page. ये D2 होगा इधर, इधर तो ये center of the screen है, तो center bright vertical finger. तो ये bright वाली कौन कौन सी location पे होंगी? ये Y हो जाएगा distance. तो यहाँ पे वर्टिकल उसमें दिखाई गई है, यहाँ पे व्हाट बी एज्यूम, ओके कमिंग, व्हाट बी एज्यूम कि ऐसे फ्रिंजेस बननी है, यहाँ पर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे इस तरह से फ्रिंजेस बननी है, ठीक है। तो ये वाई इज द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन जनरल। तो देखो एक्स जो है एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, एंड अभी हमने डिराइव किया था x इज इक्वल टू y d y d, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट बोथ, तो इक्वेट कर दिया y के लिए, y को एक तरफ रखा, बाकी टर्म दूसरी तरफ भेज दिए, तो वी गेट दिस रिलेशन। नाउ फॉर सेंट्रल ब्राइट, जिसको हम सी भी लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन में, n विल बी इक्वल टू 0, y विल बी 0, उसके लिए y 0 आएगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर, ही सेंटर ब्राइट बनता है। और फॉर फर्स्ट ब्राइट कहाँ होगी? ऊपर नीचे, बीच में डार्क भी आएंगी, डार्क को मैं हटा रहा हूँ, तो डार्क फर्स्ट ब्राइट एक ऊपर आएगी b1, एक नीचे आएगी b1, तो उसके लिए n इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो y1 विल बी 1 लैम्डा d बाय d। सेकंड के लिए n इज़ इक्वल टू पुट कर देंगे, 2 लैम्डा d बाय d। nth ब्राइट के लिए n lambda d by d, this is the condition, location मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो
एन की वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, जीरो से लेकर वन टू थ्री। जीरो किसके लिए होगी, सेंटर ब्राइट निकालना है तो जीरो ही पुट कर देंगे, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे बन जाएगा। वन वन की पोजीशन, ब्राइट वन की पोजीशन निकालनी है सेंटर से, यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे, एन इज इक्वल टू वन यहाँ पुट कर देंगे। तो सेंटर से कितनी ऊपर या कितनी नीचे, या कितना लेफ्ट फ्रंट कितना राइट में बनेगी, और सेकंड ब्राइट की निकालनी है तो एन इक्वल टू पुट कर देंगे। तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये फार्मूला याद रखना तुम्हें। तो सीक्वेंस में बराबर है, फर्स्ट फर्स्ट ब्राइट की निकालना है तो एन वन पुट कर देंगे, सेकंड ब्राइट की निकालना है तो एन टू पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो इसका एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में देखो, ये वाला क्वेश्चन है देखो, इन वाईडीएससी हम लोग ही क्लास में, तुम्हारे क्लास में ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना वाईडीएससी, एग्जामिनर विल नॉट कम टू नो व्हाट इज दिस वाईडीएससी, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट The slits are separated by 0.28. ये कौन सी डिस्टेंस दी है, स्मॉल डी दी हुई है, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। ये क्या है, ये कैपिटल डी दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2. तो वाई फोर दिया, यहाँ पे फोर लिखेंगे, ये भी फोर लिख देंगे, एन की जगह फोर, तो वाई फोर दिया हुआ है और स्मॉल डी कैपिटल डी दिया हुआ है ना। तो निकालना क्या, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो नैनोमीटर में आंसर दिया है, 10^-9 600 नैनोमीटर आंसर है, ठीक है। कैन यू सी आंसर, तो ये वैल्यू पुट करके कैन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन। तो एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाई फोर वाला फार्मूला लगे, मतलब एन फोर्थ ब्राइट दिया ना, कहाँ गया, कैन यू सी फोर्थ ब्राइट लिखा था कहीं पे, यहाँ भी फोर आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक। ये वाई फोर ये दिया है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है ना, वाई फोर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.2 × 10^-2 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है। कैपिटल डी तो मीटर में दिया हुआ है, स्मॉल डी कितना दिया है, 0.28 मिलीमीटर, 10^-3 हो जाएगा, कैपिटल डी 1.4 दिया हुआ है। I think time is going to be over. तो ये अपने आप कंप्लीट करके तुम्हारा आंसर आएगा 600 × 10^-9 मीटर आ जाएगा, इसको नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर लिख सकते हैं, यही आंसर दिया है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा ही यूनिट में छोड़ दो। क्लियर, ऑन संडे वील कंटिन्यू फर्दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा संडे को, डोंट मिस द क्लासेस, आई एम टेलिंग यू। मैं तो फिर समझ